फर्स्ट ऑप्शन है माय फादर इज स्पीकिंग दैट मैन हु हैड हिज शॉप बर्गल्ड सो देखिए इसमें जो हमारा सेकंड क्लॉज है जो हमारा सेकंड क्लॉज है वो पैसिव में नहीं है ठीक है इसमें जो हमारा सेकंड क्लॉज है दैट द मैन हु हैड हिज शॉप बर्गल्ड ये हमारा पैसिव पैसिव में नहीं है तो ये हमारा पैसिव में होना चाहिए जो कि नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा देन सेकंड देखेंगे माय फादर इज स्पीकिंग टू द मैन एंड हिज शॉप वाज बर्गल देखिए हमें यहाँ पे यूज हुआ है एंड का ठीक है हमें यहाँ पे एंड नहीं हमें यहाँ पे यूज करना है एक रिलेटिव प्रोनाउन क्या यूज करना है हमें रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है तो इसलिए सेकंड जो है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा एक बार ये फोर्थ वाला जो सेंटेंस है उसको देखेंगे फोर्थ सेंटेंस में है कि स्पीकिंग टू द मैन इज माई फादर हु शॉप वॉज बर्गल तो इसमें कोई सेंस नहीं बन रही है इस सेंटेंस में कोई सेंस नहीं बन रही तो ये हमारा आंसर नहीं होगा और जो थर्ड ऑप्शन है माई फादर इज स्पीकिंग टू द मैन हु शॉप वॉज बर्गल दिस विल बी आर आंसर ठीक है इसमें जो वर्ड यूज हुआ है हु है जो कि क्या कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट कर रहा है तो हु क्या है हमारा प्रोनाउन हमारा है और ये ये रिलेटिव प्रोनाउन है हमारा कौन सा प्रोनाउन है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ठीक है तो रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे हुज जो है वो कहाँ यूज हो, होता है जहां पे हमें क्या शो करनी होती है पोजेशन शो करनी है ठीक ठीक है 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 तो है कि बगल, किसकी हुई है, है, तो देखिए पे जो कि किसकी हुई ये शौप का बर्गल होना किसके साथ में कनेक्टेड है उसके साथ में उसकी शो कर रहा है तो यहाँ पे यूज होगा तो ऑप्शन थ्री जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थैंक यू वेरी मच क्लास सिक्स से 12 से लेके नीट आई आई टी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर